बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे, या अक्टूबर का महीना मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम मेष राशि के जातकों के बारे में ही बात करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना धन संबंधी मामलों को लेकर काफी व्यस्त रह सकते हैं आप। सेविंग्स में वृद्धि होगी, पुराना फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। अपनी वाणी पे काबू रखिए, कर्म स्थान पे चल रही बाधा का अंत इस महीने के अंत में हो जाएगा। अपनी भाषा, अपने व्यवहार पर थोड़ा काबू रखें। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता सता सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना प्रेम संबंधों को लेकर परेशानी, अभिनय के क्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, छोटी यात्रा, नए योगा योग, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि और खर्च की अधिकता, अवैध संबंधों से बचे रहने की कोशिश करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना पारिवारिक स्थितियों को लेकर थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं। आत्मविश्वास की जो कमी पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे थे उसमें कमी आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप जिन चीजों में, जिन कामों में असफल हो चुके थे वहां आप नई शुरुआत करने की सोचेंगे और नई शुरुआत करेंगे। सेविंग्स में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी के कामों से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिलने का योग भी बना हुआ है, इच्छा पूर्ति के योग भी बन रहे हैं, हालांकि खर्च की अधिकता बनी रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए व्यवसाय में चली आ रही परेशानियों का अंत इस महीने के अंत में ही होगा, परेशानियां अभी बनी रहेंगी। उच्च शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मनमुटाव को बैठकर बातचीत के माध्यम से समाधान करने की कोशिश करें। कई दिनों से लंबित प्रमोशन आपका हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना धन संबंधी मामलों में सफलता, आत्मविश्वास में कमी, छोटी यात्रा, नए योगा योग, खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, लेकिन सामाजिक चले आ रहे नियमों के खिलाफ बोलने की प्रवृत्ति भी आपको परेशानी में डाल सकती है। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही परेशानियां अभी और कुछ दिनों तक आपको झेलनी पड़ेंगी। कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना आत्मविश्वास में वृद्धि, बुद्धिमता पूर्ण निर्णय, दाम्पत्य सुख में वृद्धि। कन्या राशि के जातकों को अपने व्यवसाय में चली आ रही समस्याओं को अभी और कुछ दिनों तक झेलना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना मानसिक तनाव, नींद की कमी, खर्च की अधिकता, आत्मविश्वास की कमी, कर्म व्यस्तता, नए योगा योग, व्यवसाय में नुकसान और ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप की वजह से दाम्पत्य जीवन में परेशानी, किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम में आप उलझने से बचे, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना व्यवसाय में अत्यधिक व्यस्तता, विरोधियों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, राजनीतिक जीवन में उत्थान, स्वास्थ्य लाभ, नए व्यवसाय की शुरुआत, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। धनु राशि के मित्रों के लिए अक्टूबर का महीना परेशानी वाला है, आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे, माता के स्वास्थ्य को लेकर और प्रॉपर्टी से संबंधी झंझटों को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। धन संबंधी मामले आपके अटके रहेंगे, किसी काम की पेमेंट अगर आपको मिलने वाली है तो वो लटक जाएगी, वांछित
धन आपके हाथ में नहीं आएगा। छोटी मोटी यात्रा गैर जरूरी है तो टाल ही दीजिए। मकर राशि के मित्रों के लिए इस वक्त का जो समय है परेशानी वाला है। आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ रहे हैं, प्रेम संबंधों को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्या आपको नहीं सता रही। संतान संबंधी खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं इस महीने। धन संबंधी मामलों को लेकर थोड़ी परेशानी बनी रहेगी, हालांकि कुछ प्राप्ति भी होगी आपको। कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना डोमेस्टिक लाइफ और कर्म स्थान दोनों जगह तनाव वाला रहने वाला है, या आप ये कह सकते हैं कि कर्म व्यस्तता वाला रहने वाला है और पारिवारिक समस्याओं को लेकर आप व्यस्त रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधी कोई डील आप करने में कामयाब हो सकते हैं। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी, नींद की कमी और मानसिक तनाव आपको बना रहेगा। धन संबंधी मामले में मन वांछित फल आपको मिलते नजर नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं मीन राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति है। तो मीन राशि के जातक, पिता के साथ मन मुटाव, सरकारी कामों में समस्या, कर्म स्थान पे अति व्यस्तता, लेकिन प्राप्ति लगभग नगण्य जैसी रहेगी। हालांकि कर्म स्थान पे रुके हुए काम पूरे होने की आशा बन रही है, लेकिन आप खुद ही काम में मन लगाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपका मन चंचल बना रहेगा और आप पहले से ही नकारात्मक भावना मन में पाल कर आगे बढ़ेंगे कि मेरा ये काम तो नहीं होगा। तो आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी नकारात्मक मनस्थिति से आपको बाहर निकलना होगा। तो ये था अक्टूबर महीने का फलादेश मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।